1791 में किए गए संविधान संशोधन के बाद अमेरिका के हर आदमी को हथियार रखने और खरीदने का अधिकार मिल गया। इस एक्ट का नाम गन कंट्रोल एक्ट 1968 है, जिसके तहत अमेरिका में 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का कोई भी नागरिक हथियार खरीद सकता है और उसे चलाने का अधिकार भी रखता है, जबकि अन्य हथियार खरीदने की न्यूनतम उम्र 21 साल तय की गई है। इसके लिए सिर्फ एक फॉर्म भरना होता है। इस फॉर्म में नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ और नागरिकता संबंधी जानकारी देनी होती है। यहाँ तक कि ये भी बताना होता है कि उन्हें हथियार क्यों चाहिए। इस फॉर्म को बंदूक बेचने वाला दुकानदार या संस्था पूरी जानकारी हासिल करने के बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI को देती है। इसके बाद FBI बंदूक खरीदने वाले शख्स के बैकग्राउंड की जांच करती है और उस शख्स की हर एक डिटेल को मॉनिटर करती है। इस बात का भी पता लगाया जाता है कि शख्स ने बंदूक किसी अपराध करने के लिए तो नहीं ली है। हालांकि अमेरिका के गन लॉ के मुताबिक किसी भी मानसिक रूप से बीमार शख्स, समाज के लिए खतरा माने जाने वाले, नशा करने वाले, 1 साल से ज्यादा की जेल की सजा काट चुके लोगों को बंदूक खरीदने का अधिकार नहीं है। अमेरिकी फेडरेशन कानून के मुताबिक जो मैरिजुआना का नशा करने में दोषी पाए जाते हैं उन्हें भी बंदूक नहीं बेची जा सकती। बावजूद इसके मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका में 100 में से 88 अमेरिकी नागरिकों के पास गन है। अमेरिका में साल 2022 के आंकड़ों को देखें तो 48,000 से ज्यादा लोगों की हत्या सिर्फ फायरिंग में हो गई। यह आंकड़ा साल 2010 की तुलना में 20% ज्यादा है। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें युवाओं की मौत सबसे ज्यादा हुई है। अमेरिका के गन कल्चर पर भले ही दुनिया भर में बहस छिड़ी हो, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति और यहाँ के गवर्नर हमेशा से इस कल्चर की वकालत करते रहे हैं। इसकी बड़ी वजह गन बनाने वाली कंपनियां यानी कि आर्म्स लॉबी को बताया जाता है। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में हर साल 2.5 लाख करोड़ का गन कारोबार होता है। हाल ही में जब अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ तो लोग यही सोचने लगे कि क्या कभी अमेरिका में गन कल्चर का 230 साल पुराना कानून खत्म हो पाएगा। वैसे तो अमेरिका में गन कल्चर की शुरुआत लोगों की सुरक्षा के नाम पर हुई थी। इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि अमेरिका में अंग्रेजों के शासन के दौरान ही गन कल्चर की शुरुआत हुई। ये उन दिनों की बात है जब अमेरिका में स्थायी सिक्योरिटी फोर्स नहीं हुआ करती थी। ऐसे में लोगों को अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ये अधिकार दिया गया। 1991 में संविधान में किए गए संशोधन के बाद अमेरिका के हर आदमी को हथियार रखने और खरीदने का अधिकार मिल गया, जिस अधिकार का इस्तेमाल कुछ लोग अब अपराध का ग्राफ बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।